अब जल बोर्ड घोटाले में घिरे सीएम केजरीवाल, कांग्रेस पार्टी ने की सीबीआई जांच की मांग। कांग्रेस नेता अनिल कुमार ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में दिल्ली जल बोर्ड 9,000 करोड़ के लाभ में था, लेकिन केजरीवाल की भ्रष्ट सरकार ने इसे 57,000 करोड़ के घाटे में पहुंचा दिया है। भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति का वादा कर सत्ता में आई आम आदमी पार्टी एक के बाद एक भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरती नजर आ रही है। नई शराब नीति घोटाले को लेकर आप सरकार के खिलाफ जहां बीजेपी आक्रामक रुख इख्तियार कर रखा है, वहीं अब कांग्रेस ने भी आप सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। ताजा मामला जल बोर्ड से जुड़ा बताया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार पर कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मामला दर्ज कर सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि वर्ष 2019 में जल बोर्ड में बिल कलेक्शन को लेकर 20 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला सामने आया था। बावजूद इसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बिल कनेक्शन कंपनी के अनुबंध को आगे बढ़ाया है, जिससे साबित होता है कि ये घोटाला उनकी जानकारी और देखरेख में हुआ। सभी भ्रष्टाचारों के मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ने चार्जशीट दाखिल की है। इसलिए दिल्ली कांग्रेस मांग करती है कि दिल्ली जल बोर्ड द्वारा बिल कनेक्शन में हुए करोड़ों रुपए के घोटालों में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शामिल होने के चलते उन पर FIR दर्ज हो और मामले की CBI जांच कराई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।